चलो शुरू करें। हाँ जी, आपका नाम बता दे। मेरा नाम राम नारायण कुनरिया, मैं अखिल भारतीय किसान सभा का मध्य प्रदेश का राज्य अध्यक्ष हूँ। हाँ जी, और ये आप ना जरा हमारे जो कृषि जो अपने किसान भाई हैं उनको अभी तक इस कानून के बारे में जो पता नहीं है डिटेल में, आप जरा इनको डिटेल में समझाइए। ये जो किसानों का जो आंदोलन चल रहा है जिसमें 500 से ज्यादा किसान संगठन है, इनका मुख्य मांग ये है कि केंद्र सरकार के द्वारा इस देश का किसान, इस देश का खेत और हमारे देश की आजादी को बर्बाद करने के लिए अडानी अंबानी के पक्ष में केंद्र सरकार ये तीनों काले कानून लेकर के आई है। कानून जो पहला बिंदु जो है जिसको ये कहते हैं कृषि उपज व्यापार वाणिज्य अधिनियम 2020, इस कानून का आशय ये है कि हमारे देश के अंदर जो मंडी व्यवस्था थी, मंडी व्यवस्था को चौपट करने के लिए सरकार सरकारी मंडियों के समानांतर प्राइवेट मंडियों को खाद्यान्न खरीदने की इजाजत दे रही है। मंडी कानून में सरकार ने संशोधन कर दिया। ये जो कानून बना है इस कानून में कहीं पे भी ये प्रावधान नहीं है कि किसानों के समर्थन मूल्य पे खरीदने की कहीं किसी तरह की गारंटी नहीं है। और इसका आशय हुआ कि अडानी अंबानी जैसे जो व्यापारी और औद्योगिक घराने जो हैं, ये मनमानी दरों पे किसानों की फसलों को खरीदेंगे, सस्ती दरों पे खरीदेंगे, अपनी गोदामों के अंदर जाम करेंगे और उसके बाद जब किसानों के घरों से फसलें खत्म हो जाएंगी उसके बाद बाजार में मनचाही कीमतों पर इसको बेचेंगे। दूसरा कानून जो है, जिस कानून का इनने नाम दिया है मूल्यों का आश्वासन कृषि सेवा सशक्तिकरण संरक्षण, इस कानून का आशय ये है कि हमारे देश के अंदर जो किसान है और किसानों का देसी और विदेशी जो कंपनियां हैं, अडानी अंबानी किर्लोस्कर टाटा बिड़ला डालमिया चरतराम भरतराम किर्लोस्कर जैसे जो देसी और विदेशी कंपनियां जो हैं, ये विदेशी देसी कंपनियां किसानों के साथ 10 साल का अनुबंध करेंगी और अनुबंध होने के बाद कंपनी तय करेंगी कि हमारे खेत में कौन सा बीज बोया जाएगा, बीज के साथ ये तय करेंगे कि बीज के साथ कौन सा खाद डालना है, कौन सी कीटनाशक दवा डालना है और उसके बाद किसान अपने खेत में बीज बोने के लिए स्वतंत्र नहीं होगा। दूसरा खतरा जो इस कानून में है वो खतरा ये है कि किसानों का कंपनियों के साथ जो अनुबंध होगा मूल्य के सवाल को लेकर के, अगर बाजार में अनुबंध से ज्यादा अगर कीमत है उसका लाभ किसानों को नहीं मिलेगा। अगर अनुबंध के आधार पर बाजार में कीमत अगर गिर गई तो कंपनी गिरी हुई कीमत पर किसानों का भुगतान करेगी। अगर मान लो किसान अपने खेतों में जो फसल पैदा किया, कभी प्राकृतिक आपदा आ गई, ओला पड़ गया, पाला पड़ गया, कभी अति वर्षा हो गई, अगर फसल में कोई आंशिक क्षति है गुणवत्ता के सवाल पे, कंपनी हमारे माल को रिजेक्ट कर सकती है, खरीदने के लिए कंपनी बाध्य नहीं होगी। इसमें सबसे खतरनाक पहलू ये है कि अगर हमारा कंपनी हमारा अनाज नहीं खरीद रही है, रिजेक्ट कर रही है, अगर किसान दोबारा उस अनाज को दूसरों को अगर बेचना चाहे तो इस कानून में प्रावधान है कि आप इस समझौते का उल्लंघन करके दूसरे को आप नहीं बेच सकते हैं। इस कानून में सबसे खतरनाक पहलू जो है कि ये न्यायालयीन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है। एसडीएम कलेक्टर जो है इसका निराकरण करेगा, केंद्र सरकार का प्रतिनिधि निराकरण करेगा, कंपनी और किसानों के बीच में अगर कहीं पे कोई विवाद होता है तो इसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने के किसानों को अधिकार नहीं दिए गए हैं। और हम और आप ये जानते हैं कि एसडीएम और कलेक्टर जो है ये राज्य और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होंगे, कंपनी के बड़े बड़े वकील पैरवी करेंगे और किसान के पास इतनी ताकत नहीं, इतना पैसा नहीं है कि उन वकीलों का मुकाबला कर सके और आखिरी में किसान के खिलाफ ही फैसला होगा। इसलिए ये कानून ठेका खेती वाला जो कानून है खतरनाक कानून है। इस कानून से हमारे देश की खाद्यान्न सुरक्षा खतरे में पड़ेगी। हमारे कंपनियों को अगर ये लगता है कि दुनिया के देशों में कौन सी चीज की जरूरत है, अगर उनको लगता है कि रतन जोत पैदा करना है, उनको लगता है मशरूम की खेती करना है, तो आज हमारे देश का किसान अपने खेतों में जो धान पैदा कर रहा है, गेहूं पैदा कर रहा है, कंपनी उनको मजबूर करेंगी रतन जोत और मशरूम की खेती करने के लिए, क्योंकि बीज वो देंगी। हम लोगों ने देखा हिंदुस्तान के जब
ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा था, ये जो बंगाल था, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान नहीं बना था, बांग्लादेश नहीं बना था, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहां के किसानों को बाध्य किया था नील खेती करने के लिए। और जब नील खेती किसानों ने की, जमीनें उनकी बंजर हुई, उर्वरक शक्ति खत्म हुई, और हमारे देश में आजादी के पहले 1 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तान का नागरिक मारा गया था भूख की वजह से। तीसरा कानून जो है, तीसरा कानून का नाम यह है कि अति आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020 संशोधन कर दिया। इस कभी तक हमारे देश का जो कानून था, उस कानून में प्रावधान ये था कि हमारे देश का व्यापारी, हमारे देश का औद्योगिक घराना एक सीमा से ज्यादा अपनी दुकानों के अंदर किसी भी वस्तु को अधिक समय तक जाम नहीं कर सकता था, इसमें कानून बना हुआ था। अब सरकार ने फैसला किया है, हिंदुस्तान के खेत में जो हम पैदा करते हैं, गेहूं, चना, अलसी, मसूर, बटरी, दलहन, तिलहन, शक्कर और सब्जी और फल, इनको आवश्यक वस्तु अधिनियम की परिधि से बाहर कर दिया गया है। व्यापारियों को खुली इजाजत दे दी गई है, जितना चाहो आप खरीद लो, खरीदने के बाद अपनी गोदामों में ताला डाल दो, बाजार के अंदर संकट पैदा कर दो, बाजार के अंदर हाहाकार मच जाए, रोटी के लिए जनता तरसने लगेगी, उसके बाद ये मनचाही कीमतों पे गोदाम के माल को बाहर निकालेंगे और मनचाही कीमतों पे हमारे देश के अंदर जमाखोरी मुनाफाखोरी बढ़ेगी। इसलिए ये कानून हिंदुस्तान के किसानों के भर पक्ष में नहीं है, ये कानून इस देश की जनता के पक्ष में भी नहीं है, जनता के पक्ष में इस हिसाब से नहीं है कि खेत का अनुबंध कंपनी के साथ होगा, हमारे खेतों में जो पैदावारी होगी वो गोदामों के अंदर चली जाएगी, उसके बाद हमारे देश का जो पूंजीपति है, अगर उसको लगता है कि दुनिया के अंदर फलानी चीज की जरूरत है, तो हिंदुस्तान की जनता को देने की बजाय मुनाफा के लालच में दुनिया के दूसरे देशों के अंदर निर्यात करेगा, हिंदुस्तान के अंदर आने वाले समय में खाद्यान्न संकट पैदा होगा। ये इस कानून की वजह से हिंदुस्तान की जो आबादी है 40% लोग जो राशन की दुकानों से 2 रुपया 5 रुपया किलो का जो अनाज लेते हैं, जब सरकार खरीदी नहीं करेगी, सार्वजनिक राशन प्रणाली की दुकानें बंद हो जाएंगी, FCI की गोदामें बंद हो जाएंगी, वेयर हाउस बंद हो जाएंगे। और ये जो कानून है, ये कानून हिंदुस्तान की सरकार ने अडानी अंबानी जैसे जो पूंजीपति हैं, अमेरिका जैसे जो साम्राज्यवाद है, उनके दबाव में आकर के हिंदुस्तान की खेती, हिंदुस्तान के किसानों को बर्बाद करने के लिए ये काला कानून लेकर के आई है। हिंदुस्तान का किसान 22 दिन से आज दिल्ली के 5 जो बॉर्डर हैं, इन बॉर्डरों में कफन बांध के किसान यहाँ बैठा है कि मोदी सरकार इन कानूनों को वापस ले। जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे, हिंदुस्तान का किसान अपनी इस आंदोलन को आगे बढ़ाता रहेगा। हमारी सिर्फ यही मांग है, सरकार ये कह रही है कि हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं। हमको और आपको मालूम है कि हमारे देश के अंदर संविधान बनने के बाद कितने संशोधन नहीं हो गए। अगर एक कानून बन गया, कानून में इन्हें मान लो गारंटी भी लग दी, लेकिन जब चाहेगी सरकार उनमें संशोधन कर सकती है। इसलिए सिर्फ एक ही रास्ता है, हिंदुस्तान के किसानों को मौत से अगर बचाना है, देश की आजादी को अगर बचाना है, तो जो काले कानून है, ये काले कानून वापस होना चाहिए। इस सवाल को लेकर के हम लड़ रहे हैं, और आखिरी हम किसान संगठनों की तरफ से विश्वास दिलाना चाहते हैं, वो बहादुर 30 किसान जिन्होंने अपनी शहादत दी है, वो भी किसी के बाप है, वो भी किसी के पति है, किसी के भाई है, किसी के सुहाग है। ये मोदी सरकार, ये नरेंद्र मोदी की सरकार 30 किसानों की शहादत के नाम पे एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी सरकार को हिंदुस्तान की सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। हम किसान भाइयों से गुजारिश करना चाहते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से दो, किसान को बचाओ, देश को बचाओ, यही हमारे आंदोलन का मकसद है। जय जवान, जय किसान। भाइयों, जिस प्रकार जिस भी किसान भाई को ये चीज का जो मालूम नहीं है कि 3 कानून क्या हैं, वो समझ लें और इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा किसानों को समझ में आए। जय जवान, जय किसान। कितने मिनट का है लाइव? तो भाई लाइव है, क्योंकि 10-12 का था।